अगर आप वन प्लस के यूजर हो तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि मैं आज बताने वाला हूँ कैसे आप अपडेट करोगे। बहुत ही शॉर्ट है बताऊंगा, बहुत ही इजी है तरीका अपडेट करने का, बट ये जो है बीटा वर्जन है। इससे पहले बताया था कि बीटा टेस्टिंग वन अपडेट कैसे करें और उसका फीचर भी बताया था। आपको देखना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा और आई बटन में मिल जाएगा, वहां से जाके चेकआउट कर सकते हैं और देख सकते हैं क्या क्या फीचर है। आज मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ कि ओपन बीटा टेस्टिंग 2 रोल आउट हो चुका है और वही मैं आज अपडेट किया हूँ। कैसे अपडेट करना है सारा कुछ बताऊंगा, बहुत ही इजी है। पहले वाले वीडियो में बहुत ही डिस्क्राइब करके बताया हूँ तो वो भी देख सकते हैं, बट आज का वीडियो देखने के बाद भी बहुत ईजी है इसीलिए बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। तो वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा, बहुत पसंद आने वाला है और कुछ बग्स भी थे वो भी रिमूव हुए हैं, तो क्या क्या है सब कुछ बताऊंगा इस वीडियो में। तो हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है यूज टेक में, मेरा नाम मुकेश और आज का वीडियो बहुत पसंद आने वाला है। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा, हमें सपोर्ट मिल सके और ऐसे आपके लिए वीडियो लाता रहूं। स्टार्ट करते हैं कुछ इन्फॉर्मेशन से, लाइक हो गया कि जैसे कि ये एंड्रॉयड अगर देखेंगे तो यहाँ पे एंड्रॉयड 13 के ऊपर बेस है और ये ऑक्सीजन ओएस 13 है। आप 12 यूज कर रहे हो तो 13 में कन्वर्ट कर सकते हो, बीटा वर्जन है बट बता दूं ये स्टेबल वर्जन नहीं है, स्टेबल वर्जन बहुत ही जल्द रोल आउट कर देंगे ये लोग। बट यहाँ पे अभी बीटा टेस्टिंग 2 रोल आउट किया है, इससे पहले बीटा टेस्टिंग 1 रोल आउट किए थे, वो अगर वीडियो देखना है तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा या फिर आई बटन मिल जाएगा, वहां से जाके चेकआउट कर सकते हैं और देख सकते हैं, वहां बताया हूं कैसे अपडेट करते हैं। और साथ में और एक भी वीडियो बनाया था कि फीचर का वीडियो, मतलब क्या क्या फीचर मिलता है, टोटली सारा फीचर कवर किया हूं, तो वो वीडियो भी आप देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन में जाके या फिर यहाँ पे आपको आई बटन मिल जाएगा। तो सबसे पहले आपको डाउनलोड करना होगा यहाँ पे रोम। अब रोम कैसे डाउनलोड करेंगे, तो जस्ट जाना है गूगल में, ऑफिशियल है पूरा, कोई दिक्कत नहीं है, लिखना है ऑक्सीजन ओएस 13 फॉर जो भी आपका डिवाइस है, मतलब कि अगर उस डिवाइस में अगर आया है, रोल आउट किया गया है उस डिवाइस के लिए, तो वो डिवाइस का नाम लिखिएगा और फ्रॉम कम्युनिटी ऑक्सीजन ओएस 13 फॉर वन प्लस एंड कम्युनिटी, तो जस्ट पहला नंबर पे ही कम्युनिटी आ जाएगा, उस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको जो भी डिवाइस से आप डाउनलोड, जैसे कि मेरा 9 सीरीज़ का है, 9 प्रो या फिर 9 के लिए है, वैसे मैंने लिखा और यहाँ पे आ गया मेरा। यहाँ पे हमको OS डाउनलोड करना है, सबसे नीचे में जाइएगा, नीचे में जाने के बाद यहाँ पर प्रोसेस भी लिखा है कैसे कैसे करना है। अब सबसे नीचे में जाने के बाद यहाँ पर फाइल्स मिलेंगे ऑक्सीजन OS 13 का, तो जस्ट यहाँ पे इंडिया के लिए जैसे कि वन प्लस 9 प्रो IN लिखा हुआ है, तो ये इंडिया के लिए है, तो ये मैं क्लिक करके डाउनलोड कर लूंगा। और करने के बाद क्या करना है, फिर दूसरा नंबर क्या करना है कि आपको डेवलपर ऑप्शन ओपन करना है। डेवलपर ऑप्शन कैसे ओपन होगा, डेवलपर ऑप्शन ओपन करने के लिए आपको सेटिंग में जाना पड़ेगा। सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पे अबाउट डिवाइस में जाने के बाद यहाँ पे वर्जन देखने को मिलेगा, तो आप 12 यूज कर रहे हो या फिर 13 का बीटा टेस्टिंग 1 यूज कर रहे हो, फिर भी 13 यहाँ पे वर्जन देखने को मिलेगा। वर्जन में आप जाएंगे और बिल्ड नंबर मिलेगा, तो बिल्ड नंबर पर टैप करना है। कंटिन्यू टैप करने के बाद ये आपका डेवलपर ऑप्शन ओपन कर देगा। इसके बाद आपको जाना है ऑक्सीजन ओएस 12 या फिर 13 लिखा हुआ वहाँ पे जाना है और टैप करके देखिएगा कि कॉर्नर में राइट साइड कॉर्नर में आपको 3 डॉट मिलेंगे, वहाँ पे जाना है। वहाँ पे जाने के बाद लोकल इंस्टॉल है, लोकल इंस्टॉल पे क्लिक करना है। लोकल इंस्टॉल पे क्लिक करके सबसे पहले आप जो फाइल डाउनलोड किए थे वो डाउनलोड फाइल कहाँ है आप सेपरेट रख सकते हैं या फिर डायरेक्ट डाउनलोड फाइल से ही आप सेलेक्ट कर सकते हैं। सेलेक्ट कर लीजिएगा, सेलेक्ट करने के बाद ओके कीजिएगा। ओके करने के बाद यहाँ पे वेरीफाई करेगा, एक्सट्रैक्ट करने के बाद इंस्टॉल करेगा। इंस्टॉल करने के बाद एक बार रीस्टार्ट होगा, रीस्टार्ट होने के बाद आपका पूरा क्लियर इंस्टॉल हो जाएगा। कुछ समय लगेगा और इंस्टॉल हो जाएगा। अब यहाँ पे कौन सा वर्जन है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पे अगर ऑक्सीजन ओएस 13 पे यहाँ पे अगर इंस्टॉल कर लेते हैं, करने के बाद आपको देखेंगे तो यहाँ पे LE2121_11_F.11 ये है बीटा वर्जन, अब ये आया है, फाइनल अपडेट यही है। अब इसमें कुछ बग्स थे तो यहाँ से अब बग्स क्या क्या थे वो फिक्स किया गया है, सारा कुछ देखते हैं। अबाउट द वर्जन में देख सकते हैं तो सब कुछ लिखा है। सिस्टम कुछ बग्स थे तो वो भी क्लियर कर दिया गया। कैमरा का एक बग्स था वो भी क्लियर कर दिया गया। कनेक्शन में प्रॉब्लम था वो भी क्लियर कर दिया गया। लगभग ऑलमोस्ट सब कुछ ठीक ठाक कर दिया गया, बट यहाँ पे मुझे एक नया बग्स मिला है। जबकि मैं डाउनलोड करने जाता हूँ तो डाउनलोड मैनेजर में ना डाउनलोड सही से होता नहीं है,
कंटिन्यू फेल हो जा रहा है। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे कुछ कुछ बग्स मिलेंगे हो सकता है, तो ये आगे के अपडेट में आपको क्लियर कर दिया जाएगा। और इसी तरह आपको अपडेट लेना है स्टेबल वर्जन का, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे चैनल के साथ बने रहिएगा, क्योंकि मैं आगे अपडेट देता रहूँगा जब भी अपडेट आएगा स्टेबल वर्जन। ऑब्वियसली मैं मेरा बीटा वर्जन है, जब भी अपडेट आएगा स्टेबल का ऑक्सीजन ओएस 13 के ऊपर, तो वो मैं ऑब्वियसली इंस्टॉल करूंगा ही, क्योंकि स्टेबल वर्जन एक अलग बात है, उसमें कोई बग्स लगभग होते नहीं है। बस यही रहा आज का वीडियो, और कैसा लगा हमारा वीडियो और ये हमारा प्रोसेस कैसा लगा इतना फास्ट तरीके से बताया, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। और कुछ भी प्रॉब्लम होता है ना तो हमें कमेंट कीजिए, मैं रिप्लाई करूंगा। आगे भी मैं इसी तरह के बहुत सारे वीडियोस लाने वाला हूँ, और ऐसे वीडियो लाता रहता हूँ टेक्नोलॉजी के ऊपर। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल के साथ बने रहिएगा। लाइक हो गया कि मोबाइल के ऊपर, स्मार्ट वॉच के ऊपर, लैपटॉप के ऊपर, तो सारा वीडियो लाता रहता हूँ। आशा करता हूँ बहुत पसंद आएगा वीडियो, लाइक करें, शेयर करें ताकि ऐसी जानकारी दूसरों तक पहुँचती रहे। सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे आपको। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बाय।